लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वतन पे गर्व है, हाँ गर्व है, जिए तो जय, मरे तो जय, मरे तो जय। आ वतन तेरी छवि समारे, आ नजर तेरी हम उतारे, कतरा कतरा लहू तेरा। हमें वतन पे गर्व है, हाँ गर्व है, जिए तो जय, मरे तो जय, मरे तो जय। अर्जुन राडावत हत्यारा है, अर्जुन राडावत हत्यारा है, अर्जुन राणावत हत्यारा है, अर्जुन को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अर्जुन राणावत हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। एसीपी अर्जुन रणावत, जिसने 1 नवंबर की रात मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में घुसकर निहायत ही बेरहमी से उप मुख्यमंत्री बद्रीनाथ त्रिवेदी, मुख्यमंत्री के पुत्र मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर यशवंत देश पांडे के बेटे चंद्रकांत देश पांडे, पुलिस इंस्पेक्टर अवस्थी, एडवोकेट कुलकर्णी, सत्ताधारी दल के 6 MLA और कुछ पुलिस और सरकारी अफसरों सहित कुल मिलाकर 18 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है।
योर ऑनर, ये कानून का रक्षक नहीं भक्षक है, भक्षक। इस सामूहिक हत्याकांड से इसने न केवल सरकार या पुलिस बल्कि समूची मानवता को कलंकित किया है। ये मौका वारदात पर खींची कुछ तस्वीरें हैं योर ऑनर। योर ऑनर, इस भीषण हत्याकांड की तफ्तीश और इसके पीछे छिपे हुए षड्यंत्र का पता लगाने के लिए पुलिस इस आरोपी को 15 दिनों के रिमांड पर पुलिस हिरासत में सौंपे जाने की मांग करती है। अर्जुन राणावत, तुम्हें इन आरोपों के बारे में कुछ कहना है? नहीं। क्या तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। क्या तुम चाहोगे कि अदालत तुम्हारे लिए कोई वकील नियुक्त करे? नहीं। सरकार ने तुम्हारे ऊपर 18 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया है और पूछताछ के लिए 15 दिनों का रिमांड मांगा है। इस दौरान तुम्हें कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? हाँ है। वो क्या? मौत। आरोपी अर्जुन राणावत को 15 दिनों की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में सौंपा जाता है। अपने आप को मानसिक रूप से 100% संतुलित बताते हुए राणावत ने कहा कि उसने पूरे होशवास में ये नरसंहार किया है। जब जज ने उससे अंतिम बार पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है, तो उसने वही जवाब दिया, मौत। वंदना सजनानी, आज तक, मुंबई। चार्जशीट तैयार की है तूने? हैं? ये सिर्फ हत्यारा? वो सिर्फ हत्यारा नहीं है, राक्षस है, राक्षस। ये देख, ये देख, मुझसे मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दामाद छीन लिया, मेरी बहू, मेरी बेटी की मांग के सिंदूर मचा डाला। अरे तेरा बेटा भी तो खा गया वो, उसका गम नहीं है तुझे? अरे हमारी चिताओं को आग देने वाला कोई बाकी नहीं छोड़ा उसने, हमारा वंश नाश कर डाला, वंश नाश। सुनो त्यागी जी, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, देशद्रोह और गद्दारी तक जितने भी जुर्म आपकी कानून की किताबों में लिखे हैं ना, सबके सब उस हरामी के मत्थे मर दीजिए, सारी की सारी धाराएं ठोक दीजिए उस पर। एक्सक्यूज मी सर, मैं राणावत को पिछले 13 साल से जानता हूं। वो हत्यारा जरूर है, मगर वो देशद्रोही या भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या कहा तूने? जब हमने कह दिया कि वो देशद्रोही है तो वो है। हमारा कहा कानून है और हम इस प्रदेश की अदालत है। अगर किसी भी अफसर की आंखों में हमारे बेटे के हत्यारे के लिए प्यार या जुबान पर हमदर्दी नजर आई तो हम उसकी आंख, कान, जुबान कटवा के इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठवा दूंगा। समझ गए तुम लोग?
कागजात पे दस्तखत करो। अर्जुन राणावत, तूने मेरे इकलौते बेटे का कत्ल किया है। जब तक अदालत तुझे सजा नहीं देती, मैं तुझे इस कैद में हर रोज एक नई मौत मारूंगा। देशपांडे जी, इसने इन कागजात पे दस्तखत नहीं किए, बल्कि अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर दी है। आइए। बता था क्यों नहीं दुनिया को कि तूने नरसंहार क्यों किया है? तू अपने लिए मौत क्यों मांग रहा है बेटे? क्यों मांग रहा है? क्योंकि मैं अपना अंतिम संस्कार कर चुका हूं। मैं इस शरीर, इस जन्म से मुक्ति चाहता हूं। मां, आज के बाद आप और राखी मुझे यहां मिलने मत आना, क्योंकि हिंदू धर्म में मां बहन शमशान नहीं जाया करती। चलता मां, इस जन्म में इतना ही साथ था, निर्मातम मत बनाना, मैं फिर लौट कर आऊंगा। अपने भगवान से कहना कि अगली बार मैं तेरा बेटा बनकर ही जन्म लूं। आदरणीय समर सिंह जी, आपको और आपके आदर्शों को मेरा अंतिम प्रणाम। मैं आपके सिद्धांतों, इस पुलिस फोर्स, इस वर्दी और इस ड्यूटी को त्याग चुका हूं। मेरी आपसे एक अंतिम प्रार्थना है सर, दोबारा कभी मत कहिएगा सत्य में विजय दे, क्योंकि सत्य तो यह है कि इस नपुंसक समाज में अंतिम विजय सदा असत्य, अधर्म और अन्याय की ही होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि हम सिपाही महज एक सरकारी मशीन नहीं, पुलिस थाने के बाहर हमारी भी एक दुनिया है जो आपके बताए रास्ते पर चलते हुए न जाने कहां खो गई। तू अभी तक यही है, मंदिर नहीं गया? मैंने तुझसे कहा था ना बेटे। माँ, मैं मंदिर जाके क्या करूंगा? चल, तूने बॉडी बहुत बना ली, चलकर भगवान को भी मना ले बेटे। तू चाहती कि मैं मंदिर जाऊं, भगवान की पूजा करूं? हाँ, बड़ा एहसान होगा मुझ पर। कहाँ लेके जा रहा है? इधर आ। हाँ, कहाँ? यहाँ बैठ। अच्छा। जय माँ जगदम्बे, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती। अरे पगले, तू क्या कर रहा है? देख नहीं रही हूँ माँ, मैं अपने भगवान की पूजा कर रहा हूँ। किसी ने सच कहा है, क्योंकि भगवान एक ही वक्त हर जगह नहीं हो सकते ना, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। माँ,
तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा सब कुछ है। बावला हो गया है तू, एक अदने इंसान की तुलना भगवान से नहीं किया करते बेटे। अच्छा, 1984 के दंगे याद है माँ, जब एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की लाश पर रो रहा था, उस वक्त भगवान ने तू आई थी माँ। मेरी असली माँ ने तो मुझे सिर्फ जन्म दिया है, तूने मुझे जीवन दिया है। मेरा वजूद सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे है माँ। राखी को तो मैंने जन्म दिया है, मगर तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुझे पाकर फिर भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? सुबह से लेकर शाम तक तुम भैया की सलामती की पूजा करती रहती हो, और फिर भी कहती हो कि तुम भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। ए राखी चुप, जलती है तू, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती। क्या चलती हूँ तुमसे? माय फुट। अरे बाप रे बाप, माँ ये तो फुल झगड़े के मूड में आई है। झगड़ा करने नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, और आपके पर्स से मैंने 1000 रुपए ले लिए हैं। देखा माँ, पुलिस वाले के घर में डाका। ए डाका नहीं डाला, अपना हक लिया है मैंने। बाय द वे, आपका नाश्ता लगा दिया है, जब आप माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो जाए तो कृपा करके खा लीजिएगा। चलती हूँ, बाय बाय मॉम। देखा माँ, राखी कितनी बड़ी हो गई है। हाँ बेटे, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ के सीने का बोझ बढ़ जाता है। कैसी बातें करती हो माँ, गाय को कभी अपने सिंह भारी लगते हैं? तुझे राखी की शादी की चिंता है ना? हाँ। फिक्र मत कर, तेरा ये बेटा अपनी बहन की ऐसी धूमधाम से शादी कराएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। एक हीरो का भी क्या जलवा होगा जो हकीम लुक्के का जलवा है। चल। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है साहब, अपन भी इंसान है, काय को जानवर के माफिक घसीटता है। हैदर साहब, एक सूटा मिलेगा क्या? चुपचाप चल यार के जने, एक बार जब तुझे पुलिस कस्टडी में दे दे, फिर लॉकअप में तुझे खूब सिगरेट पिलाऊंगा। ये तो जज का फैसला ही बताएगा। योर ऑनर, इस साल में 7वीं बार पुलिस मेरे क्लाइंट को पकड़ लाई है। इस रिमांड एप्लीकेशन में लिखा है कि हकीम लुक्का लड़कियों का दलाल है, ग्रांट रोड में इनके बियर बार्स हैं, और अपने बार में ये चकला चलाते हैं। योर ऑनर, जिस वक्त ये पुलिस वाले हकीम लुक्का पर वेश्या के नाक कान काटने का इल्जाम लगा रहे थे, उस वक्त ये बेचारा ग्रांट रोड में तो क्या मुंबई शहर में नहीं था, ये तो लखनऊ गया हुआ था पार्टी के प्रचार के लिए। योर ऑनर, यह रहा पुलिस की मक्कारी का सबूत। यह है लखनऊ का एयर टिकट, यह है लखनऊ के गेस्ट हाउस का रजिस्टर, और योर ऑनर, यह है उस लखनऊ गेस्ट हाउस के मैनेजर। योर ऑनर, झूठ बोलता यह कुलकर्णी, हकीम लुक का एक फड़वा है, यह साला हरामी मासूम लड़कों से धंधा करवाता है। सुना सुना आपने योर ऑनर, यह है हमारी मुंबई की आदरणीय पुलिस, अदालत में खड़े होकर गालियां दे रही है। एसीपी अर्जुन राणावत, अगली बार आपने इस अदालत में बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल किया तो आप सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अदालत को मजाक बना रखा है, बगैर सबूत या गवाह के लोगों को पकड़ कर ले आते हो। इस बार मैं आपको चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, आइंदा इस तरह के मसले लाकर अदालत का वक्त जाया ना करें। अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है। थैंक यू मिलॉर्ड। हजार बार तुझसे कहा है कोर्ट में तमीज से पेश आया कर। वो हमारी कमीज फाड़े जा रहे हैं और तू कहता है कि तमीजवर है। क्यों अर्जुन साहब, उतर गई ना कोर्ट में पतलून? अपन बोला था वकील साहब, अपन डंके की चोट पे बोला था कि इस बार भी हकीम लुक्का
छूट कर दिखाएगा। क्यों, क्या उखाड़ा तूने? वो क्या है ना साहब, अपुन से दुश्मनी तुम्हारे लिए खतरा और तुम्हारी बहन के लिए भी खतरा। सुना है तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है साहब। अर्जुन ले जा इसको। ए, जा रहा हूं मैं, लेकिन समझाओ इस हीरो को, वकील से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी इसको। चलो मैं भाई, चल चल ना। क्या बस कर, तू साल हमेशा मुझे रोक देता है। वो हरामी कुत्ते का पिल्ला हकीम लुक्का हमारे मुंह पर थूक कर चला गया और हम कुछ नहीं कर सके, और तू कहता कि बस कर। ये देख, दिखता है तुझे, सरकार ने हमारी कमर में बंदूक लटका दी है, लेकिन हम इसे चला नहीं सकते। और वो साले बैंड के डके बीच सड़क पर गोलियां चलाते, और हम क्या करते, क्या करते हैं हम? सिर्फ उन भड़वों को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देते, और फिर वो कुलकर्णी आकर उन्हें छुड़ा कर ले जाता है। और हम क्या करते, इसे हाथ में पकड़कर खड़े रहते। वो मेरी बहन के बारे में बात कर रहा था तो क्या मैं चुप बैठा? ये मेरी बहन क्या लगा रखा, राखी कैसे तेरी बहन है, मेरी कुछ नहीं। देख अर्जुन, कुत्तों के भौंकने का जवाब मैं नहीं देता, लेकिन अगर किसी रोज वो सुअर का बच्चा मुझे सही वक्त और सही मोड़ पर नजर आ गया ना, तो मैं उसे काटकर गंदी नाली में बहा दूंगा। चलो उस भड़वे के लिए दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ चल चलते, तू जा मैं और बैठूंगा। हाँ भाई, आप क्यों आएंगे, आपकी जन्नत के आने का वक्त जो हो गया है तो फिर शुरू हो गया। अबे साले, जो दिल में है उसे जुबान पर लाने में शर्माता क्यों है? उसने तो लाखों बार अपने प्यार का इजहार किया है, और एक तू है क्या? हैदर, जाना। जाता हूँ बाबा, आजकल किसी को नसीहत देना ही गुनाह है। और सुन, ज्यादा मत पीना, गाड़ी तुझे चलानी है। सैया मोरा
क्यों जन्नत? हर रोज की तरह आज फिर तेरा आशिक तुझे फ्लाइंग किस देकर निकल गया। हमदर्दी के लिए शुक्रिया। अरे जन्नत, एक से एक मालदार तेरे कदमों में बिछे रहते हैं और तू है कि एक पुलिस वाले पर मर मिटी है। आखिर ऐसा क्या है उसमें? तू नहीं समझेगी मेरी जान, मालदार और दिलदार तो इस बार में टके के भाव मिलते हैं। मुझे तो यहाँ हर मर्द की नजर में सिर्फ भूख और हवस नजर आती है, लेकिन अर्जुन, अर्जुन की नजर में मुझे ईमान और इज्जत नजर आती है। अरे पगली, आखिर कब तक उसके इंतजार में यूं ही बैठी रहेगी? सारी जिंदगी, और अगर ये जिंदगी कम पड़ी ना तो अगली जिंदगी भी उसी के नाम कर दूंगी। ये जो मैं अंगूठी अपने गले में डाल के घूमती हूँ ना, इसे तो मुझे सिर्फ अर्जुन ही पहनाएगा। ये नहीं समझेगी। उनको लुक्का, हकीम लुक्का। गुर्दा क्या है साहब? एकदम मस्त हालिया, मस्त कौला माने कौला। अभी तक नत नहीं उतरी। ऐसा एक से एक मस्त छावी अपन के पास, तुम मांगेगा तो रोज तुमको नया देगा। बस अपन से इज्जत से बात करने का क्या? इज्जत से बात इज्जतदार लोगों से की जाती है, बड़ों से नहीं। बड़वा किसको बोलता रे? ये सड़क देख, एकदम सुनसान, न बंदा न बंदे की जात। इधर पन देख, देख दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अगर इस वक्त इधर इच अपन तेरे को टपका डालाना तो साला किसी को कोई सबूत कोई गवाह नहीं मिलेगा कि कौन एसीपी अर्जुन रानावत को टपका कर चला गया। बस कल सुबह अखबार में तेरा फोटो और कल रात से तेरी बहन अब उनके जीप में चलता हूं। सोचना जो अपन बोला, अपन के लिए काम कर नहीं तो डाय। लावारिस मौत। सच बोलता है, सुनसान सड़क, लावारिस मौत। अगर मैं इसे यहां मर दूं तो ये लुक्का। क्या बोलना तेरे को? मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मशवरा?
ये देख सुमसान सड़क, ये देख न बंदा न बंदे की साथ। और कल अखबार में मेरी नहीं तेरी तस्वीर छपेगी, लावारिस मौत। नहीं अर्जुन रणावत, तुम्हारे कल रात के कारनामे ने मुंबई शहर और सरकार को हिलाकर रख दिया है और तुम्हारे इस हत्याकांड ने सारे पुलिस फोर्स को कलंकित कर दिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई हमें वर्दी वाला गुंडा तो कोई हमें वर्दीधारी राक्षस कह रहा है। राक्षस, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। उस कागज पर लिखो कि गुस्से में अपना आपा खोकर तुमने ये हत्याकांड किया है। ये हत्याकांड मैंने गुस्से या प्रतिशोध में नहीं, आत्मरक्षा में किया है। It was an act of self-defense. Act of self-defense, my foot. बेवकूफ मत समझिए आप हमें। आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की 17 हड्डियां नहीं तोड़ता, पीठ के बल उसे लिटाकर उस पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली नहीं करता। ये रही जांच की गई ऑटोप्सी की रिपोर्ट। क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा? सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर तुम कंट्रोल रूम में भी तो इन्फॉर्म कर सकते थे। You're right, sir. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसका रिवॉल्वर मेरी कनपट्टी पे था और उसका घोड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाहिए था, फिर हवा में एक फायर और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी। You're right, sir. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, वो हरामजादा मुझे मारकर मेरी बहन को कोठे बैठाने की बात कर रहा था, उस वक्त मुझे उससे यह कहना चाहिए था कि भाई साहब रुक जाइए, एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बहन को कोठे बैठाना कानून जुर्म है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चलता तो मेरा नाम यहां नहीं, पुलिस थाने के बाहर शहीदों की लिस्ट में लिखा गया होता। और आप यहां बैठकर चीख चिल्लाट नहीं कर रहे होते, बल्कि आंखों में आंसू लिए मेरी गोली से छलनी की गई लाश को तिरंगे में लपेट कर ब्यूगल बजा रहे होते। शट अप! बदतमीजी और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। देखा, देखा आपने सर, मैं तो कहता हूं इसे हत्यारा घोषित करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। Why not, sir? अगर आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खून से पुलिस की निकम्मी और नाकार इमेज को धोना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये किलिंग्स मैंने की है। मौका है वारदात पे ना आप मौजूद थे, ना आप और ना आप सर। सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा घोषित कर सकते, साबित नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं, अदालत में मेरा वकील कहेगा और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सर, इस हकीम लुक्का के खिलाफ 38 मुकदमे चल रहे थे। वो सुअर पुलिस थाने को घर, अदालत को चकला और मुझ जैसे पुलिस वालों को अपना फड़वा समझ लगा था। क्या उखाड़ लिया था हमने उसका? सर, 12 साल की इस पुलिस की नौकरी में मैं इनके हाथों हजारों मौतें मरते आया हूं। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं लुक्का के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता बनकर कानून की दलाली करता, या फिर ये वर्दी उतार कर ना मर्दों की तरह सब कुछ चुपचाप सहता रहता। नो सर, मैंने दल्ला या ना मर्द बनने से इनकार कर दिया। सर, अगर ये मुजरिम अदालत से बरी होकर
निर्दोष नागरिक बनकर आजाद घूम सकते हैं, तब फिर इन्हें मारकर मैं इंस्पेक्टर अर्जुन रणावत खुलेआम निर्दोष नागरिक बनकर आजाद क्यों नहीं घूम सकता? क्यों? 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 और कुछ कहना है तुम्हें? नो सर। तुम जा सकते हो। कहता तो बिल्कुल सत्य है सर, लेकिन अफसोस कि यही किया जा सकता है। यही तो सोचना पड़ेगा जाधव कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। नहीं जनाब, अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर क्या है समस्या का समाधान? एनकाउंटर। एनकाउंटर? जी हाँ, हम मुठभेड़ में उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उनका खात्मा कर देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी दहशत मंडराती हुई नजर आएगी, तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, समर्पण या मृत्यु, सरेंडर और डेथ। और तभी एक अपराध मुक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्राइम कंट्रोल स्क्वाड तैयार कीजिए समर सिंह जी, हमारी सरकार आपके साथ है। Questions? No, sir. इस मिशन के दौरान आपको धमकाने की, आपको खरीदने की या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी। I promise you, sir. अगर लालच चट्टर से मेरे किसी सिपाही के कदम लड़खड़ाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और अगर सर मेरा ईमान टकमगाया तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। लाया कि नहीं? पुलिस? अबे खाकी कुत्ते, तेरी तो मैं Thank you.
सिर्फ नाम सुन के जिस मुंबई पुलिस का मूत निकल जाता था, वही पुलिस आज 13 दिन में अपना 27 छोकरा लोग को टपका डाला। हाँ भाई, 25 साल यहाँ बैठ के जिस मुंबई पे हम हुकूमत किया ना, उसे 25 ही दिन में हिला डाला ये मुंबई पुलिस। पुलिस आज की तारीख में मौत बन गई है भाई, न गिरफ्तारी न सरेंडर, डायरेक्ट खलास करने को बोलता है वो कमिश्नर। भाई वो साला सीएम का हाथ है पुलिस के सर पर, तभी तो साला 2 टके का इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड़ लेगा। मैं बोलता है भाई, तुम एक आवाज करो, अभी का अभी मुंबई जाकर उस पुलिस कमिश्नर के भेजे में गोली ठासता मैं, और बताता है मुंबई पुलिस को कि जिंदा साहब पे हाथ नहीं डालने का। माजिद, लगाओ साले अपोजिशन लीडर काशी त्रिवेदी को फोन, उसको बोल पुलिस वालों को दलितों, माइनॉरिटीज और बेगुनाहों का हत्यारा बताकर विधानसभा में हंगामा खड़ा करवा दे। फर्जी इनकाउंटर के नाम पे प्रेस के जरिए सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो, कुर्सी हिला डालो उस साले सीएम की। ये सीएम और कमिश्नर को बताएगा मैं, जिस सरकार के बल पर उचकते हैं ना ये लोग, उसे यहां बाहर मुल्क में बैठकर चलाता है जफर सुपारी। जंगल राज है ये, जंगल राज। अरे गुंडा राज बना दिया है सरकार को, और ये पुलिस वाले तो वर्दी पहनकर हत्यारे बन गए हैं, हत्यारे। अरे न वारंट न गिरफ्तारी न कोर्ट कचहरी, सीधे मौत। मैं आपसे पूछता हूँ सीएम साहब, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? हत्यारे पुलिस, हाय हाय, हाय हाय, नरपक्ष सरकार, हाय हाय। त्रिवेदी जी, अगर विधानसभा की तरह यहाँ भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है? आखिर समस्या क्या है आपकी? समस्या नहीं, सवाल है। मुंबई शहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी ये पुलिस, कब तक? तब तक जब तक इस शहर का आखिरी गैंगस्टर खत्म नहीं हो जाता, जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक। ओ मुख्यमंत्री जी, जरा समझाइए अपने सर पर एक कमिश्नर को कि ये दलितों और माइनॉरिटीज के खून की होली खेलना बंद करे। काशी त्रिवेदी जी, खून की होली आप जैसे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, पुलिस नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से, और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेंकना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं। ए! मानवाधिकार के भक्षक, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर? तेरी इस सत्यनारायण जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूंगा, चुटकियों में। तख्ता पलट दूंगा तेरा, समझा? तुझे कमिश्नर से हवलदार बना दूंगा। काशी त्रिवेदी, किसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तू? उन गुंडों की जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो बेकसूर लोगों पे गोलियां चलाते, उनकी बीवियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाते। काशी त्रिवेदी, तू उन लोगों की ह्यूमन राइट्स की दुआई दे रहा है जो ह्यूमन है ही नहीं, उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? They are inhuman bastards. वो सिर्फ एक ही जबान समझते हैं, इसकी। खामोश! 2 टके की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा, और रहा तू तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई,
तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी, जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गवाह मिल गया उस दिन तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं अपनी अर्थी पर लेटा होगा। और काशी त्रिवेदी मेरा एक वादा है तुझसे कि तुझे कांधा देने के लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा। मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आपने इस शहर को गेस्टापो बना दिया है। पिछले 30 दिनों में आपने इस शहर की सड़कों को खून से रंग दिया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मानवता के नाम पर कब तक हत्याएं करवाते रहेंगे? पुलिस और गुंडों में फर्क ही क्या रह गया है? एनकाउंटर आपकी मजबूरी है या लालच? एनकाउंटर इज मर्थ ऑफ डेमोक्रेसी इज डिक्टेटरशिप। एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है जब हम उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं तो क्या वो मुजरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं? नहीं, वो खतरनाक हथियारों से और गोलियों की बौछार से हमारा स्वागत करते हैं। तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना हमारा मानवाधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या सारे ह्यूमन राइट्स क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के ही होते हैं? क्या सिपाही का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या हम सिपाही इंसान नहीं? मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जफर सुपारी ने एनकाउंटर स्क्वाड के हर अफसर को चांद से मार देने की धमकी दी है। उसने पूरे एनकाउंटर स्क्वाड की हिटलिस्ट बनाई है। क्या हिटलिस्ट बनाएगा? हिटलिस्ट तो हमने बनाई है। ये देख, ये लाल निशान देख रहे हो? इतने खुदा को प्यारे हो चुके हैं और बाकी के होने वाले हैं। ये लो हिटलिस्ट और कल अपने अखबार में छाप देना। अगली बार जब जफर सुपारी टेलीफोन पर इंटरव्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम राशन कार्ड से काटना शुरू कर दिया है। हेलो, ए ए, घर तक छोड़ने आया हूँ यार, अंदर नहीं बुलाओगी? आई मीन चाय वाय। ओ, चाय वाय? हाँ हाँ, आशिक है आपके, प्यार करते हैं आपसे। अरे इतना हक तो बनता है यार। ओ तो आइए मिस्टर विवेक आचार्य, प्लीज अंदर आइए, आपको चाय भी पिलाई जाएगी और साथ ही भैया से भी मिलवाया जाएगा। What? भैया घर में, आई मीन अंदर है? पुलिस वाला है, कब घर में कब पुलिस स्टेशन में, कब किसका एनकाउंटर करने चले जाते हैं ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। अच्छा तो रेखा जी, अमित, राखी जी, मैं चलता हूँ। क्यों चाय वाय नहीं पीजिएगा? चाय? अब तो हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। क्यों डर गए ना भैया से? डर गया? अरे तुम्हारे भैया से तो पूरा शहर डरता है। वो मुंह से कम और बंदूक से ज्यादा बातें करते हैं। ढिशके आओ, ढिशके आओ, ढिशके आओ। अरे बुद्धू, अगर तुम भैया से नहीं मिलोगे तो मेरा हाथ उनसे कैसे मांगोगे? मैडम ये जिम्मेदारी आपकी है। मिस्टर विवेक आचार्य, सन ऑफ जस्टिस आचार्य, भैया से तो मैं बात कर लूंगी लेकिन आप अपने डैड से कब बात करेंगे? उनकी फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, एक बार हमारी शादी का केस उनकी अदालत में पहुंचा तो उनका फैसला हमारे ही हक में होगा। खूब
लव यू, यू टेक केयर, ओके, बाय बाय। राखी आ रही है, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूं उसे। हाय, हाय भैया। भैया, वो एक लड़का है, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है, बीएससी फाइनल ईयर, नाम विवेक आचार्य, जस्टिस आचार्य का बेटा, और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। आपको कैसे पता भैया? पुलिस वाला हूं, कोई दूध वाला नहीं, सारे शहर की खबर रखता हूं, मेरी बहन कब कहां और किससे मिलती है ये भी मुझे पता नहीं होगा, बेवकूफ समझती मुझे। क्या तुम प्यार करती हो उससे? नहीं। What? हाँ। मुझे देखो। Good choice. सच भैया? या, या हूँ। मैं जैसा से बात करूँगा। तुम्हारी बहन को अपने घर की बहू बनाना मेरे लिए फक्र की बात होगी। लेकिन याद रहे, हम लड़के वाले हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं। ये सगाई कल होगी। कल? सर, सर मगर हमें इंतजाम के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। नो, नथिंग डूइंग, सगाई कल ही होनी चाहिए, इट्स एन ऑर्डर। मगर सर, बरखुरदार जल्दी तुम्हें नहीं, जल्दी हमें है। कल तुम्हारी बहन ने इरादा बदल दिया तो मेरे नालायक बेटे को इतनी अच्छी बीवी और मुझे इतनी अच्छी बहू दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए सगाई की रस्म कल यहीं पूरी की जाएगी। तो सोनी मेरी जान लग दी, जान लग दी, जान लग दी। सोनी तो सोनी मेरी जान लग दी, हीरिए तो सोनी मेरी जान लग दी। अख जद खोले दिल खाए हिच, खोले दिल खाए हिच, खोले बोले बोले दीवानी मेरी जान लग दी, दीवानी मेरी जान लग दी। बोले 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 दीवानी मेरी जान लग दी, दीवानी मेरी जान लग दी। मखना क्या
गांव लगता है सजना, हाय तेरा सजना। बोले 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 दीवानी मेरी जान लगदी, दीवानी मेरी जान लगदी। सोने तो सोना मेरा यार लगदा, यार लगदा, यार लगदा। सोने तो सोना मेरा यार लगदा, रांझे तो सोना मेरा यार लगदा। अख जद खोले दिल खाए हिच कोले, दिल खाए हिच कोले। बोले बोले दीवाना मेरा यार लगदा, दीवाना मेरा यार लगदा। अख जद खोले दिल खाए हिच कोले, दिल खाए हिच कोले। बोले बोले दीवाना मेरा यार लगदा, तेरा जा मेरा यार लगदा। दीवाना मेरा यार लगदा, तेरा जा मेरा यार लगदा। सर, सर आपका इन्फॉर्मर 555 आपसे मिलना चाहता है। भेज दो अंदर। राइट सर। सलाम साहेब। आओ। आप बोलो क्या खबर लाए हो? साहेब एकदम डेफिनेट खबर है, वो जफर सुपारी है ना, उसने कमिश्नर साहेब को मारने की सुपारी दिए लाए। और जफर सुपारी का मेन हिटमैन है ना, वो पप्पू कालिया मास्टर प्लानिंग कर रहा है साहेब, और अपने काम को अंजाम देने के लिए वो आज रात केन के नाइट क्लब में अपने चार पांच शूटर से मिलने वाला है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सलाम साहेब।
पप्पू कालिया, यू आर अंडर अरेस्ट। को जान से मार दूंगा। मैं कहता हूं हथियार फेंक, वरना लड़की जान से जाएगी। मैं आखिरी बार कहता हूं अर्जुन, हथियार फेंक। मैं कहता हूं हथियार फेंक। काशी त्रिवेदी, मैंने तुझे दूध वाले से उठाकर नेता बनाया, माइनॉरिटी का एमएलए, अपोजिशन का लीडर बनाया, किसके वास्ते? इस दिन के वास्ते? विधानसभा में बैठकर दूध देने के वास्ते? ए काशी, पप्पू कालिया अपन गया, एक एक करके अपन का सारा विकेट डाउन कर डाला तेरे उस पुलिस कमिश्नर ने। 25 साल का मुंबई शहर पर मेरा हुकूमत, बर्बाद कर डाला तुम्हारा मुंबई पुलिस, और उधर आईएसआई के सामने मेरे मुंह पर कालक पुतवा डाला। कुछ करो नेताजी, कोई रास्ता ढूंढो, हमें इस मुसीबत से निकालो। रास्ता तो हमारे पास है जफर भाई, लेकिन पैसा जरा ज्यादा लगेगा। मैं सोच ही रहा था कि पैसों के लिए तुम्हारा मुंह कब फटेगा। फाड़ो फाड़ो अपना मुंह। तो ध्यान से सुनो सुपारी, मुख्यमंत्री सत्यनारायण जोशी की सरकार सिर्फ 11 इंडिपेंडेंट एमएलए के समर्थन पर टिकी है, और इन 11 में से 9 बिकने के लिए तैयार हैं। कीमत है 60 करोड़। यानी 60 करोड़ में तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे? ठीक है काशी, गिराओ सरकार, तुम्हें 60 करोड़ कल पहुंच जाएंगे। तो समझ लो जफर भाई, आप मुंबई शहर के प्रधानमंत्री बन गए। संतरी से मंत्री तक हर कोई अपना आदमी। सरकार हमारी और सल्तनत तुम्हारी। विशेष समाचार आज तक। कल शाम 5 बजे सत्यनारायण जोशी के 9 निर्दलीय विधायकों ने जनता पर हो रहे पुलिस के अत्याचारों के नाम पर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। असंतुष्ट विधायकों के साथ सुलह करने के लिए मुख्यमंत्री जी इस वक्त अंतिम प्रयास कर रहे हैं। विशेष बुलेटिन समाप्त। वंदना सचनानी, मुंबई आज तक। बच्चात कहीं के खबर मिली क्या? वही, काशी त्रिवेदी के सियासत के बाजार में नेता लोग सब्जी की तरह बिक रहे हैं और सत्यनारायण जोशी की सरकार गिर रही है। इसका मतलब जानता है तू? अब नेक्स्ट कैजुअल्टी हमारे कमिश्नर साहब का ट्रांसफर होगा। जी तो चाहता है इन मादर जातों को भून के रख दूं। सालों ने राजनीति को वैश्या बनाकर चकले पे बिठा दिया। हम त्याग पत्र देकर समर सिंह जी
लोकतंत्र की हो रही इस नीलामी में हम हरगिज शामिल नहीं हो सकते। मैं जानता था आप ऐसा ही करेंगे और आपको शोभा भी यही देता है। ये लीजिए समर सिंह जी। कोरे कागज पर आपके दस्तखत? मैं कुछ समझा नहीं सर, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरा इस्तीफा मंजूर होते ही और कुर्सी छोड़ते ही नई सरकार आपके ऊपर एनकाउंटर्स के नाम पर निर्दोष नागरिकों की हत्या का इल्जाम लगाएगी। तब आप इस कागज पर उन एनकाउंटर्स को मेरा लिखित आदेश बताकर आरोप मुक्त हो सकते हैं। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, लेकिन आप जैसे निष्कलंक नेता को कलंकित करके स्वयं आरोप मुक्त होना मुझे मंजूर नहीं है। लेकिन समर सिंह जी, वे शायद आपका तबादला कर देंगे, मेरा अखबारबाजी करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। आप चिंता मत कीजिए जोशी जी, मेरे आपके कर्मों का निर्णय अखबार नहीं इतिहास करेगा। अफसोस मुझे सत्ता छोड़ने का नहीं बल्कि इस बात का है कि अपराध मुक्त समाज का हमारा अभियान अधूरा रह जाएगा। मेरे बाद आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, हमारे मकसद का क्या होगा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुख्यमंत्री जी, मैंने अपने नौजवान सिपाहियों के दिलों में ऐसी आग भड़का दी है कि सरकार बदल जाने पर भी ये अंडरवर्ल्ड वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका उसी तरह से एनकाउंटर किया जाता रहेगा जैसा कि किया जाना चाहिए। समर सिंह जी, मुझे आपके साथ काम करने के अवसर पर सदा गर्व रहेगा। मुझे भी। इस वर्दी को पहनकर ऐसे ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है जो सम्मान तो क्या अपमान के लायक भी नहीं होते, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। आप राजनीति की दलदल में रहकर भी निष्कलंक बने रहे। हम तुमसे कहे थे ना, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, लड़ेंगे लड़वाएंगे, दल बनाएंगे बिगाड़ेंगे, पर एक रोज ही कुर्सी पर बैठ के दिखाएंगे। वो दिन आ गया रे मुन्ना, अब हम इस प्रदेश के राजा हैं और बाकी सब हमारी प्रजा। सुनो भाइयों, तुम सभी मंत्रियों संतरियों और अफसरों की ईमानदारी, क्या ईमानदारी गुजरे हुए मुख्यमंत्री के साथ गुजर गई क्या? अब हम जो कहेंगे वो आदेश होगा, हम जो बनाएंगे वो कानून होगा। सर कहो भोसले, गृह मंत्रालय से मेरी ट्रांसफर का ऑर्डर लेकर आए हो? आपको कैसे पता सर? मैं जानता था सरकार बदलते ही नेताओं को अफसरों का तबादला करने की पुरानी बीमारी है। भोसले समझाओ इन नेताओं को, तबादलों से इलाके बदलते हैं, इरादे नहीं। ताना जी,
तुम अपना ख्याल रखना और मुझे बराबर खत लिखते रहना। तो मेरी ट्रांसफर की खबर आप लोगों को भी मिल गई। इसमें परेशान होने की क्या बात है, ऐसा तो आए दिन होता ही रहता है। मगर सर, जिन लोगों ने 13 घंटों में सरकार और 3 घंटों में आपको बदल डाला, ऐसे लोगों से भला 10-12 हजार की तनख्वाह पाने वाले हम जैसे सिपाही कैसे लड़ सकेंगे? अवस्थी, इस वर्दी की कीमत पैसों में लगाकर देश भर के ईमानदार सिपाहियों को गाली मत दो। अवस्थी, पैसों के लिए आतंकवादी लड़ते हैं, सिपाही नहीं। सिपाही सिर्फ अपने वतन की इज्जत और मुल्क के हिफाजत के लिए लड़ते हैं। सॉरी सर। बेटे, वो मेरी जगह दूसरे व्यक्ति बदल सकते हैं, हमारे संकल्प और विचार नहीं। सर, आज से आपका संकल्प हमारा कर्तव्य होगा। अब आपके दिल की आग हमारे दिलों में जल रही है सर। सर, जो आपने क्राइम फ्री स्टेट का सपना देखा है, उसे अब हम पूरा करेंगे। यही आपको हमारी गुरुदक्षिणा होगी। थैंक्स। मेरे दिल की आग अपने दिलों में जलाकर तुमने मुझे अमर कर दिया है। इस वक्त मैं तुम सब में अपने आप को देख रहा हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंत में विजय सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते। 60 करोड़ खर्च किया है सरकार बनाने और गिराने में। उसके बदले में 60 नहीं, 600 नहीं, 36,000 करोड़ मुंबई वालों का खून चूस कर वसूल करूंगा मैं। बिल्डर से लेकर एक्टर और डॉक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक किसी को मत छोड़ो। उनसे बोलो जिंदा रहना है तो हफ्ता भेजो। बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो सफर को पैसे भेजो। मुंबई शहर में धंधा करना है, यहां तक के मुंबई शहर में सांस भी लेना है, तो जफर भाई को सलामी का पैसा भेजो। ये साला पुलिस वाला घर में घुस घुस के मारा ना मेरे छोकरे लोगों को। इनके भी घर में घुस घुस के धमकाओ इनकी मां बहन बीवी और बच्चों को। ना माने तो काट डालो सालों को। बताओ पुलिस को, डरना मांगता अपने इस बाप से, इस सफर सुपारी से। बाय। यू टेक केयर। यू टू। बाय बाय। मॉम, मॉम, कहाँ हो तुम? मॉम, अरे भाई कहाँ हो तुम? भैया के आने का वक्त हो गया है। आपने पूजा की थाली सजाई कि नहीं? मॉम, वेयर आर यू मॉम? माँ भी ना, उफ, जरूर पूजा घर में बैठी होगी। Shut up!
मत, तेरे को मारने नहीं समझाने आया हूं। जफर सुपारी को जानती है ना तू? बाहर गांव रहता है पर अक्का मुंबई पे राज करता है। तेरे इंस्पेक्टर भाई जैसे लोग मालिश करता है जफर सुपारी का, समझा अपने इंस्पेक्टर भाई को? जफर को बाप और एड़ा को बड़ा भाई मानने का, रोज सलाम बजाने का, डरने का जफर भाई से। अगली बार समझाने नहीं आएगा मैं, तेरी इस मां का टुकड़ा टुकड़ा करके तेरे को उठा कर ले जाएगा। सुबह 8 बजे घर से निकलती है, 8:10 को बस स्टॉप से कॉलेज के लिए बस पकड़ती है, 3:30 बजे कॉलेज छूटता है और तू 4:30 बजे घर पहुंचती है। तेरा पूरा टाइम टेबल अक्खा चोपड़ी आया अपन के पास, जब चाहेगा अपन तेरे को टपका डालेगा। और वैसे भी तेरी जैसे आइटम की जगह यहां पर नहीं, सफर भाई के हरम में है अपन के पास। ओ शिट यार, क्या हुआ? जल्दबाजी में हम लोग राखी का गिफ्ट लाना ही भूल गए। अबे अली, तुझे गिफ्ट की पड़ी है? हम लोग ऑलरेडी लेट है यार, राखी गुस्से में होगी। चल ना यार। कौन आया था? राखी, कौन आया था? राखी बता प्लीज। ये ना सफर सुपारी का आदमी। तू राखी की थाली सजा के रख, मैं तेरी सौगात लेके आता हूं। हाँ तो बोल चोपड़ा, तू गोली कैसा लेना पसंद करेगा? विस्की के साथ, सोडे के साथ, पानी के साथ? नहीं भाई। या फिर डायरेक्ट? नहीं येड़ा भाई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? साला वो कमिश्नर के टाइम पे बहुत चर्बी आ गया था तुम लोगों को। नहीं येड़ा भाई, वो मैं। चल, 3 खोका कैश, अपनी नई फिल्म का ओवरसीज राइट्स, होम वीडियो और म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ।
चल जा, लाता हूं, लाता हूं भाई। क्या बोला था तू? हमारी मां के टुकड़े टुकड़े करेगा, हमारी बहन को उठाकर ले जाएगा? नहीं हैदर भाई, हां तो जफर सुपारी के भड़वे, चल फैला दहशत मुंबई शहर में। अब धमका पुलिस वालों को। नहीं अर्जुन भाई। हां तो एड़ा, अब तू बता, तू गोली लेना कैसे पसंद करेगा? पानी के साथ, सोडे के साथ? विस्की के साथ? बोल। या फिर नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं। मादरजात, राखी हमारी बहन है, तूने उसकी शान में गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि खुद अपने कफन में मौत का आखिरी कील ठोका है। अर्जुन, बता दे दुनिया को कि हम भाई अपनी बहन की हिफाजत में जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। लगा अपने बॉस को फोन, लगा। छोटे, एड़ा का फोन है। हाँ एड़ा बोल। भाई ये लोग एड़ा को मार डाला। बक नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। सफर सुपारी, कौन है तू? मां पो से। मां पो से? हां, महाराष्ट्र पुलिस सेवा। सफर सुपारी, आइंदा मर्दों की बारात लूटने हिजड़ों की टोली कभी मत भेजना। याद रखना जफर, तुम जैसे गुंडों के लिए पुलिस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। जफर सुपारी, एक आखिरी चेतावनी तेरे लिए, नो चार्जशीट, सिर्फ डी फाइनल यानी डेथ फाइनल। जय हिंद। भैया। अरे राखी, तुम लोग दोनों पुलिस स्टेशन में, बताओ कौन किसकी रिपोर्ट लिखाने आया है? सबसे पहले तो आप मेरी रिपोर्ट लिखिए सर। ये आपकी बहन हर वक्त मुझे धमकाती रहती है, ये ना किया तो अंदर करवा दूंगी, वो ना किया तो हथकड़ी लगवा दूंगी। तो क्या गलत करती है?
देखो ना भैया, हायर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट इसे स्कॉलरशिप दे रही, और ये जनाब है जो जाने से इनकार कर रहे हैं। भैया, हमारी सगाई को अभी 3 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और ये मुझे 3 साल के वनवास के लिए कनाडा भेजना चाहती है। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना। अगर तेरी जगह मैं होता, मैं तो सगाई के अगले दिन ही निकल जाता। भैया, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसे मिस मत करो। ये तो तुम्हें मिल गई, अब उसे मत छोड़ो। और रहा तुम्हारी मंगेतर का सवाल, तो मेरा नाम है अर्जुन रणावत, डोंट वरी। हेलो। नमक हराम, तेरे राज में वो हराम ज्यादा अर्जुन रणावत एड़ा और मेरे आदमियों को कुत्ते की माफिक तड़पा तड़पा कर मार डाला, और तू सीएम की कुर्सी पर बैठकर अंडे दे रहा, अपने चूल्हे गरम कर रहा तू? नहीं नहीं भाई, वो क्या है कि बीच में मत बोल। अगर तूने उन पुलिस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नस्ल का गेम कर डालूंगा। मगर भाई वो मैं सुअर की औलाद, अगर 60 करोड़ में मैं सरकार बना सकता हूं तो 60 रुपए की गोली तेरे भेजे में उतार कर तुझे और तेरे पूरे खानदान को खलास कर सकता हूं मैं। क्या हुआ काशी जी, कौन था? बाप था मेरा, मेरी मां का यार था, जफर सुपारी। अबे यशवंत देश पांडे, तुझे पुणे से उठाकर यहां मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया किस वास्ते हैं? अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते? बारात या खैरात में नहीं, पूरे 2.5 खोखे देकर बनाऊ मुंबई का पुलिस कमिश्नर। हेलो, सुना कुलकर्णी, ये साला अपने 2.5 खोखे को रोता है। अबे समझा अपने बाप को, वो एनकाउंटर स्क्वाड वाले जफर के आदमियों का गेम बजा डाले, तू क्या भजिए ताला रहा था है? अब जा, जाके रद्द कर दे एनकाउंटर स्क्वाड, मेरे को बिल्कुल नहीं मांगता ये पुलिस का दस्ता, समझा कि नहीं? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी। तो फिर क्या है तेरे हाथ में है? बाबा जी का घंटा। अरे मैं क्या इस देश का गृह मंत्री हूं? कहा ना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसमें डीजी और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ऐसे उबलने से काम नहीं होगा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के होशियारी से करना होगा। काशी जी, सबसे पहले तो अर्जुन राणावत का, और उससे भी पहले हैदर अली का सोचो। हैदर अर्जुन की आंख और कान दोनों है, पूरा मुखबिर नेटवर्क वो हैंडल करता है। हैदर गया तो समझ लो कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। यू आर राइट काशी जी, हैदर का इंतजाम मैं करूंगा, उसकी जात को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तबादला करो, तबादला, और वो भी जल्दी। Thank you. अर्जुन साहब, अरे रुकिए रुकिए। कहिए। माना कि आप स्ट्रॉन्ग और साइलेंट टाइप्स हैं, जो अपनी दिल की बात जुबान पर नहीं लेकर आते, लेकिन आप अपनी इन आंखों का क्या करेंगे? आप कह क्या रही हैं? हमारे कहने का ये मतलब है कि आपकी आंखों से साफ जाहिर है कि आप हमसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और कुछ? अच्छा तो ये बताइए, अंगूठी गले में पहनी जाती है या उंगली में? नाक में। हैं? मजाक छोड़िए, बताइए ना। उंगली में। तो फिर हमारा हाथ थामिए,
इस अंगूठी को हमारी उंगली में पहनाइए और हमें अपना हमसफर बनाइए। हमसफर? जी। पहले आप हमें इतना सफर मत कराइए। जी। अंगूठी तो मैं आपको बाद में पहनाऊंगा, पहले आप ये पहन लीजिए। जन्नत, खूबसूरती ढकी भी ज्यादा अच्छी लगती है। Let's go.
हैदर अली, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। तुम्हारी जात की वजह से तुम्हें एनकाउंटर स्क्वाड से निकाला जाता है। तुम अपना चार्ज एसीपी अर्जुन राणावत को सौंप दो। लेकिन क्यों सर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड और उनके आईएसआई एजेंट्स का पर्दाफाश करने का काम कर रही है, और उनका यह कहना है कि ऐसे में हमारे कुछ ऑफिसर्स का रवैया उन आईएसआई एजेंट्स के साथ नरमी का हो सकता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, और इसलिए मैं मुसलमान मुजरिमों का साथ दूंगा? ये देखिए, ये गोलियों के निशान देख रहे हैं आप? ये मुसलमान आतंकवादियों के गोलियों के निशान हैं। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली मुजरिम से उसकी जात या उसका मजहब नहीं पूछती कि वो हिंदू है या मुसलमान। इस रिपोर्ट से आप मुझे ये जताना चाहते हैं कि मेरी जात, मेरा मजहब मेरे देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र है? हैदर। नहीं अर्जुन, अगर मैं अपना सर काट कर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चढ़ा दूं ना, तब भी इन्हें यकीन नहीं होगा कि हैदर अली एक सच्चा हिंदुस्तानी है, एक देशभक्त ऑफिसर है। नो, आई डोंट केयर। नहीं हैदर, मत कर। अली नहीं, नहीं करनी मुझे ये नौकरी अर्जुन। कमिश्नर, हैदर अली वो मुसलमान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क, अपने वतन के लिए जान दे सकता है। ये आपने बहुत गलत किया सर। देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। सिर्फ मेरा राजपूत या आपका ब्राह्मण होना हमारी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। ऐसी घटिया कम्युनल सोच सैकड़ों हैदर अली जैसे मुसलमान नौजवानों को इस देश से दूर गलत रास्तों पर ले जाती है। तुम समझते क्यों नहीं? ये फैसला यहां नहीं, होम मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में होता है। अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझसे कहा है वो वहां जाके कहो। खामोश, यानी पुलिस कमिश्नर के सामने अपने बेल्ट उतारकर पूरे डिपार्टमेंट को गाली देकर निकला तुम्हारा वह बदतमीज जूनियर सही है? और हम सब सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, क्यों यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर आपके सीनियर्स आपको बुला के ये कहे कि क्योंकि आप सरदार हैं आप खालिस्तानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है, तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता। सर, जब आपको सिख टेरर से लड़ने से नहीं रोका गया तो फिर हैदर अली खान को मुसलमान आतंकवादियों और आईएसआई एजेंट से लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? बगैर किसी गवाह या सबूत के सिर्फ जाति को ही शक की बुनियाद मानना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्म प्रधान है, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, धर्म प्रधान नहीं। सर, हैदर अली खान वो सिपाही है जो अपनी वर्दी पर लाखों पेबंद लगा सकता है मगर दाग कभी नहीं लगने देगा। सालों ने गद्दार तो साबित कर ही दिया है, अब शायद किसी रोज एनकाउंटर में मुझे गोली से उड़ा देंगे। क्या है ये, मेरी गिरफ्तारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का सर्च वारंट? नहीं,
दो पैग और पीने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन खुशी में। क्या मतलब? पढ़कर तो देख। तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। ये सब तूने मेरे लिए किया? नहीं, अपने लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर्स और मुझे तुम जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है। ऐसी बात है तो तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मांग कर तो देख। तो सुन, माँ को जन्नत जैसी बहू, राखी और मुझे जन्नत जैसी भाभी, और तुझे जन्नत जैसी बीवी की सख्त जरूरत है। Cheers. Cheers. तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना हम तुमको चुरा लेंगे। ओ मुंबई शहर में दाखिल होना। और सर, पूरे अंडरवर्ल्ड को जफर सुपारी गैंग की छत्रछाया में लाने का काम कर रहे हैं।
हमारे सीएम काशीनाथ त्रिवेदी। हाँ सर, सर मुंबई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टेररिस्ट टारगेट। तो हम क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं हम? अगर वो भड़वा मुंबई में और काशी त्रिवेदी मुंबई में बैठकर किसी टेररिस्ट प्लान की फीडिंग कर रहे हैं तो हम क्या भांड छोड़ रहे हैं? चूड़ियां पहन रखी हमने। अरे पूरी मुंबई पुलिस फोर्स बिकाऊ नहीं है, एक साला पुलिस कमिश्नर बिका तो क्या हुआ? तू बिका, बोल तू बिका, बता तू बिका। तुम दोनों बिके क्या? साला बिका। हम पुलिस हैं, कोई गलती नहीं। अरे वो क्या मुंबई शहर को टेररिस्ट पे लाएंगे? टेररिस्ट हम उन बड़ों को लाएंगे। आज के बाद आईएसआई हमारे टेरर मैप पे होगा, समझे? सर, 555 की लीड पर माजिद खान के हाइडआउट का पता चल गया है और अर्जुन सर वहां रेड डालने के लिए निकल चुके हैं। माजिद खान, तू तो गया। हथियारों से दहशत फैलाने आया था ना तू? हाँ बोल माजिद। ये माजिद नहीं, माजिद की मौत बोल रही है। एसीपी अर्जुन रणावत। अर्जुन, अगर मेरे भाई के किसी सुमरेन की खबर चाहिए तो भाई मैं यहाँ आकर तुझे और तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुंबई आए। तेरे भाई पर चौकड़ी मार दी, अब तो गोली की आवाज चीख और अपने भाई की आखिरी सांसें से सुन। नहीं नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन! अर्जुन!
हाय जन्नत। हाय हैदर। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? क्या अर्जुन अपने कमरे में नहीं है? है ना, वो कुछ जरूरी काम में बिजी है इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। ओके ओके, क्या बात है, आज तुम इस लिबास में? कोई खास बात है? वो माजी ने आज घर पे बुलाया है। अच्छा, तो माजी ने आखिर हमारी होने वाली भाभी ढूंढी ली। घाटकोपर के बस ब्लास्ट से साफ जाहिर होता है क्या ऐसा का मकसद क्या है। जनता के दिलों में दहशत और हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब किसकी क्या ड्यूटी है मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि उनकी क्या ड्यूटी है और उन्हें क्या करना है, लेकिन जनाब आप अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं। चलिए उठिए, बाहर वीवीआईपी ड्यूटी आपका इंतजार कर रही है। अली, मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ। अबे साले, तेरा गैर जमानती वारंट निकल चुका है, चलो। अरे लेकिन मेरा काम। चलो उठना। अच्छा बाय। देवी पूजा के दिन तेरे पैर इस घर में पड़े हैं, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। सदा सुखी रहो। बेटी ये शगुन है, राखी ने खास तौर पर उस दिन के लिए बनवाए थे जब उसकी होने वाली भाभी पहली बार इस घर में आएगी। ये लो बेटी। जुग जुग जियो मेरी बेटी। ये हाथ यूं ही मेरे सर पे बनाए रखिएगा माँ जी। माँ ये लो। चलो भाभी मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। जाओ बेटी जाओ। अच्छी है, तुम बैठो मैं खाने का इंतजाम करके आती हूँ। अबे ओ देशपांडे, तू तो यार बिस्तर पे पड़ी 16 साल की लौंडी की तरह घबरा रहा है। देख, जबकि मैं इस प्रदेश का डेप्यूटी सीएम, बड़े भैया सीएम हो तो वो 2% का एसीपी, क्या उसका नाम वो अर्जुन राणावत और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारा क्या घंटा उखाड़ लेगी? अखबार नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो। एक जायसवाल रिपोर्ट के लीक हो जाने से एक डीजीपी, एक कमिश्नर और दर्जनों ऑफिसर सड़ रहे हैं कस्टडी में। घंटा उखड़ चुका है उनका, समझे? और सुनो काशी जी, हमारे और अंडरवर्ल्ड के तालुकात पर अर्जुन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अगर उसने हमारी जड़ें खोदना शुरू कर दी तो वो खुदाई हमारे और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस को खोद के रख देगी। उस रिपोर्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करो काशी जी। अगर वो फाइल दिल्ली तक पहुंच गई तो हम सब होंगे सलाखों के पीछे। और कहीं अगर बद्री, वो जाली दस्तावेज जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं ना, कल हमें मिल जाने चाहिए। जी भैया। और हाँ, रहा सवाल अर्जुन राणावत की रिपोर्ट का, तो कल वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी की मेज पर होगी। मैं कम इन सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आओ। कुछ याद आया एसीपी अर्जुन राणावत? हम कहे थे ना तो से, एक दिन हम ई कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा।
याद आया? यह गलतफहमी है तुम्हारी काशी त्रिवेदी। मैंने संवैधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किया है, तुम्हें नहीं। क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा है? तेरे उस कमिश्नर का तो मैंने तबादला करवा ही दिया। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, नक्सलवादी इलाका, यहाँ पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। सिर्फ आतंकवादियों की गोलियां चारों तरफ बरसती रहेंगी। मौत से खेलना समर सिंह की जिंदगी का अंदाज है, लेकिन तुझ जैसे पढ़वे ये बात क्या समझेंगे? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कुर्सी पे टिके रहने के लिए हर 2-5 सालों में कटोरा लिए वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं। क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूं, मैं वहां अपनी काबिलियत से चुना गया हूं। अपनी औकात में रह, आज से हम तेरे मालिक और तू हमारा नौकर। नौकर मैं जनता का हूं, किसी के बाप का नहीं। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड सो आर यू। काम की बात कर, मुझे यहां क्यों बुलाया है? तो फिर सुन ले, गृह मंत्रालय मैंने अपने पास रखा है, इसलिए हम आदेश देते हैं। मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तूने डाटा बैंक तैयार किया है ना, ये मुझे दे दे। जानता था जिसके तलवे चाट कर तू उस मकाम पर पहुंचा है, उसका बही खाता तू मुझसे जरूर मांगेगा। ये ले, संभाल के रख। कॉन्फिडेंशियल ये है असल। बहुत मेहनत की होगी तूने इसे बनाने में ना, मगर देखा, एक ही झटके में हमने इसे जलाकर खाक कर दिया। क्यों भैया, दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा, नहीं? नहीं, दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिनिस्टर साहब, और शायद दोहरा भी पड़ जाए, क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, दूसरी कॉपी प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तेरे माफिया पाप बच नहीं पाएंगे। सफर सुपारी के तले। क्या कहा तूने? मुझे दल्ला कहा? मुझे काशी को दल्ला कहा? मुख्यमंत्री को दल्ला कहा? 2 कौड़े के पुलिस अफसर तेरी औकात के? क्या औकात है तेरी? काशी त्रिवेदी, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। हाथ नीचे कर। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। देशभक्त, ईमानदार जनता के नौकर ने एक देशद्रोही, बेईमान जनता के नौकर को मारा है। काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूं। जय हिंद।
हेलो हेलो हाय भाभी राखी अच्छा लिसन यू गेट रेडी सून हमें अभी के अभी पुलिस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलना है वो किस लिए पुलिस एनुअल डे फंक्शन के लिए भैया और उनके दोस्तों ने एक डांस आइटम तैयार किया है और आज उसकी ग्रैंड रिहर्सल है क्या पुलिस वाले गाना बजाना हाँ भाभी और मजे की बात तो ये है कि उनमें से कोई बना है टपोरी तो कोई बना है पॉकेट मार हाँ बोल 555 कौन अर्जुन साहब नहीं मैं हैदर बोल रहा हूँ बोल क्या खबर है साहब जिस्म फरोशी के धंधे के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लाई गई नाबालिग लड़कियों को पुराने जसई रेलवे यार्ड में छिपा कर रखा गया है और आज रात उन्हें मुंबई के अलग अलग चकलों में पहुंचाया जाने वाला है आप जाकर उन्हें बचा लीजिए सर तुम फिक्र मत करो हम फौरन वहां पहुंचते हैं
यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। कहीं 555 की खबर झूठी तो नहीं सर? कहीं ये ट्रैप तो नहीं? हाँ! ये ट्रैप है। तुम सबकी मौत का ट्रैप। जफर सुपारी तू? हाँ मैं जफर सुपारी, हिंदुस्तान में। देख चारों तरफ, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एनकाउंटर तो आज मैं करूंगा, तेरा, तेरे दोस्त अर्जुन रणावत का और पूरी मुंबई शहर का। देख, पूरे 500 टन आरडीएक्स लाया है जफर सुपारी, मुड़ के देख। अच्छा हुआ तू अपने साथ अपनी अर्थी का सामान ले आया जफर। अरे तू क्या मुंबई को शमशान बनाएगा? तेरे ही लाए हुए आरडीएक्स में तेरी चिता जलाएगा ये हैदर अली खान। चुके हैं सर, हमारे 5 साथी मारे जा चुके हैं। अब पीछे हटने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सर। ये वक्त पीछे हटने का नहीं है दोस्तों, वक्त है इस वर्दी का कर्ज चुकाने का। और आज हम सब मिलकर इस वर्दी का कर्ज जरूर चुकाएंगे। कितनी बुलेट्स बची हैं हमारे पास? लास्ट मैगजीन है सर। दोस्तों, हमारा प्राइम टारगेट है जफर सुपारी के लाए आरडीएक्स को तबाह करना। मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूं, तुम दोनों मुझे कवर दोगे, कोई शक? नो सर। Thank you.
जफर सुपारी, तू मुंबई शहर को राख के ढेर में तब्दील करने निकला था ना? देख, तेरे ही चल रहे इस आरडीएक्स में आज हैदर अली खान तुझे राख के ढेर में तब्दील करेगा। अवस्थी, तू गद्दार? हाँ। से महाराष्ट्र पुलिस सेवा जा, ओल्ड जसई रेलवे यार्ड में तेरे भाई हैदर और उसके साथियों की लाशें तेरा इंतजार कर रही हैं। प्रेस को यह बताते हुए सख्त अफसोस हो रहा है कि क्राइम कंट्रोल स्क्वाड का सबसे जांबाज ऑफिसर हैदर अली खान अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आईएसआई का एजेंट था। पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मिलकर मुंबई में दोबारा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, जिसके लिए इंस्पेक्टर हैदर अली 500 टन आरडीएक्स मुंबई में लाने के लिए उनकी मदद कर रहा था।
कल रात इंस्पेक्टर अवस्थी ने मौकाए वारदात पर पहुंचकर उनके इस खतरनाक मिशन को नाकामयाब कर दिया। अवस्थी ने ना सिर्फ उस 500 टन आरडीएक्स को तबाह किया बल्कि गद्दार हैदर अली खान और उसके साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। हैदर अली के घर पर मारे गए छापे में हमें कुछ फ्लॉपीज, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, जाली पासपोर्ट्स, नकली वीजाज और आईएसआई के आइडेंटिटी कार्ड्स बरामद हुए हैं, जो हैदर अली के पाकिस्तानी दलाल होने के पुख्ता दस्तावेज हैं। क्या कर रहा हूं, किसी से उस हादसे के बारे में जिक्र ना करने की कसम खाई थी मैंने, और आज मैं ही वो कसम तोड़ रहा हूं। नहीं, ये क्या खबर लेकर आया है? समर सिंह पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राणावत का मुकदमा लड़ रहा है, उसने वकालतनामा भी दायर कर दिया है। इसमें इतना घबराने की क्या बात है काशी जी, समर सिंह वकालत कर चुका है ये दुनिया जानती है, लेकिन वो एक जज्बाती और शौकिया वकील है, और हम सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने वाले पेशेवर वकील हैं। चलिए, अरे मगर हमें कुछ तो करना काशी जी, जितने झूठे सबूत हमारे पास हैं और जो आरोप पत्र मैंने बनाया है, उसके बाद समर सिंह तो क्या, साक्षात भगवान भी अगर अदालत में उतर आए तो वो भी राणावत को फांसी के फंदे पर झूलने से नहीं बचा सकता। द गेम इज ओवर। योर ऑनर, अर्जुन राणावत के साथ 15 सालों से काम कर रहे ऑफिसर्स को मैं पेश करने की इजाजत चाहता हूं। ये गवाह इस अदालत को बताएंगे कि अर्जुन राणावत कौन है, उसका कैरेक्टर क्या है और सत्य क्या है। इजाजत है योर ऑनर। ये वो अर्जुन राणावत है जिसे लोग मुंबई का शेर कहते हैं। माफिया वालों का तो सिर्फ इसका नाम सुनकर मुंह निकल जाया करता था। जज साहब, ये वो अर्जुन राणावत है जिसके कारण अंडरवर्ल्ड वाले ये शहर तो क्या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। योर ऑनर, अगर पुलिस फोर्स में अर्जुन और हैदर अली जैसे ऑफिसर्स नहीं होते ना, तो ये माफिया वाले पुलिस को अपना दल्ला और मुंबई शहर को अपना चकला बना चुके होते। मगर ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि अपना फर्ज निभाते हुए एक को बदनामी की मौत मिली और दूसरा इस कटघरे में खड़ा है।
नमस्कार साहेब, मैं तानाजी मालुसरे। मुंबई पुलिस में एक छोटू सा हरदली है साहेब। कमिश्नर का कुर्सी पर बैठने वाले हर ऑफिसर का सेवा करने का ये अपना ड्यूटी है साहेब। मैं वो कुर्सी से बंधेला है साहेब, लेकिन आज जो कुछ भी मैं बोलेगा उसके बाद मेरा नौकरी तो क्या, मेरा जान भी जा सकता है। जाते तो जाने दो साहेब, परवाह नहीं, लेकिन आज मैं सच बोल के छुड़ाएगा। दुनिया जानता है साहेब, दुनिया कि कैसा ये काशी त्रिवेदी पट्टी ईमानदार सरकार को गिरा डाला, कैसा हमारा कमिश्नर साहब समर सिंह साहब का यूं चुटकियों में तबादला करा डाला। तो रातों रात इस काशी का पैर का तलवा चाटने वाला ये यशवंत देश पांडे, इसको रातों रात मुंबई शहर का कमिश्नर बना डाला। अरे देश पांड्या, देखता क्या है तू मेरे को? तुझा आईला तुझा, तू राणावत साहब को गद्दार बोलता है भाई तू? अरे असली गद्दार तो तू है, तू और तेरा ये बाप मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी। यस साहेब, अगर राणावत साहब गद्दार है तो सब गद्दार हैं, मैं गद्दार है, इस देश का हर ईमानदार पुलिस वाला गद्दार है। हाँ हम सब गद्दार हैं, हाँ हाँ हम सब गद्दार हैं, हम सब गद्दार हैं, हम सब गद्दार हैं। जज साहब, ये साला त्यागी और ये हमारा कमिश्नर झूठ बोलता है ये। हाँ हाँ झूठ बोलता है कमिश्नर, झूठ बोलता है ये, झूठ बोलता है ये। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये सब क्या चल रहा है? ये पुलिस वाले चिल्ला चिल्ला कर अदालत को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, ये सब वही हो रहा है जो हमारे काबिल वकील साहब चाहते थे। मैं तो इस अदालत में सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं, ये ईमानदारी और सच्चाई अभी भी इस देश में मरी नहीं है योर ऑनर। अगर झूठ बोलने वालों की संख्या 10 है तो सच बोलने वालों की संख्या 10,000 है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल, थैंक यू योर ऑनर। अब मैं अर्जुन राणावत की मां शकुंतला देवी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है शकुंतला देवी जी। कल जब अदालत आपके बेटे को देशद्रोही घोषित करके मृत्युदंड देगी तो क्या आपको इसकी मां होने की शर्मिंदगी नहीं होगी, अफसोस नहीं होगा? अफसोस, अफसोस तो इस बात का होगा कि मैंने इसे पैदा क्यों नहीं किया। अफसोस इस बात का होगा कि इस देश के हर माँ ने एक अर्जुन क्यों नहीं जना। अफसोस नहीं जज साहब, अर्जुन की मौत पर तो मुझे गर्व होगा, वैसा ही गर्व जैसे भगत सिंह की शहादत के रोज उसकी मां को हुआ होगा, हर देशवासी को हुआ होगा। जज साहब, इस जन्म में तो क्या मैं हर जन्म में अर्जुन की मां बनकर जीना और मरना चाहती हूं। वाह क्या भाषण है, अद्भुत, लाजवाब। मगर मैं अदालत को याद दिला दूं कि यह एक सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा है जिसका आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुका है। और जज साहब, मैं अपने काबिल वकील साहब को यह भी बताना चाहता हूं कि मुकदमा सबूतों और गवाहों से लड़ा जाता है, भाषणबाजियों, नौटंकियों और तमाशों से नहीं। और फिर जज साहब, जब आरोपी के वकील ने इसकी मां के जरिए इस हत्यारे की तुलना भगत सिंह से करवा ही दी है तो शहीद आजम की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मजबूरन मुझे एक बहुत ही शर्मनाक सच से पर्दा उठाना होगा, जिसके बाद
दुनिया की हर माँ हर बहन शर्म से डूब जाना चाहेगी। और ये माँ इसके तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी योर ऑनर। हाँ तो शकुंतला देवी जी, आप अदालत को बताइए कि 1 नवंबर की रात को आपकी बेटी राखी दीक्षित कहाँ थी? जवाब दीजिए शकुंतला देवी, सामूहिक हत्याकांड की रात आपकी बेटी और इसकी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहाँ थी? जवाब दीजिए, कहाँ थी वो? तो तुम ही बताओ अर्जुन रणावत, 1 नवंबर की रात तुम्हारी मुंह बोली बहन राखी दीक्षित कहां थी? जवाब दो अर्जुन रणावत, चुप क्यों हो? इसका जवाब ना तुम दे सकोगे और ना तुम्हारी ये मां। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। Your Honor, 1 नवंबर की रात इसकी आवारा बदचलन और चरित्रहीन बहन मुख्यमंत्री के फार्म हाउस में डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बेटे मुन्ना त्रिवेदी, पुलिस कमिश्नर के बेटे और अन्य कई लोगों के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो एक हाई सोसाइटी कॉल गर्ल थी योर ऑनर, जिसके ना सिर्फ इन मर्दों के साथ बल्कि अपने मुंह बोले भाई अर्जुन रणावत के साथ भी नाजायज ताल्लुकात थे। जो दिन में इसकी बहन और रात में इसकी रखैल थी, रथ और खेल रखैल त्यागी। देखा, देखा आपने योर ऑनर, सत्य का गला घोटने का इसे और कोई तरीका आता ही नहीं। ये अपने अलावा किसी और मर्द के राखी के साथ नाजायज ताल्लुका देख ही नहीं सकता। 1 नवंबर की रात को जब इसने एक नहीं 3-3 मर्दों को अपनी रखैल बहन के साथ बिस्तर में पाया, तो इसी तरह अपना नियंत्रण खो बैठा और इसने वो भीषण नरसंहार कर डाला। योर ऑनर जागे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आई से स्टॉप इट। समर सिंह, आपके मुवक्किल की एक और हिंसक हरकत मुझे इसी वक्त कार्रवाई रोककर फैसला सुनाने पर मजबूर कर देगी। सॉरी योर ऑनर। आज की कार्रवाई यहीं रोक दी जाती है, कल की कार्रवाई अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों की उपस्थिति में होगी। पच्चात हरामखोर, आज अगर मैं कानून के दायरे में न बंधा होता तो उस त्यागी को गोली मार देता। कल इसी अदालत में राखी को पेश करके त्यागी के सफेद झूठ का पर्दाफाश करूंगा मैं। लेकिन राखी तो अदालत में नहीं आ सकती सर। क्यों, क्यों नहीं आ सकती वो? उसे कल अदालत में आना ही होगा। मगर सर, अर्जुन की इस किलिंग्स का राखी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। जब से उसे ये खबर मिली है
वो पत्थर बन गई है। खंडाला के सेंट मेरी सेनेटोरियम में उसका इलाज चल रहा है सर। जरूर कोई राज है जो अर्जुन मुझसे छिपा रहा है। पत्थर मत बनो, राखी बताओ उस हत्याकांड की असली वजह क्या थी? तुम्हारा एक भाई हैदर अली बेगैरत मौत मर चुका है और दूसरे के ऊपर देशद्रोही का इल्जाम है। क्या तुम ये बर्दाश्त कर पाओगी कि तुम्हारे भाई अर्जुन को सजाए मौत मिले? क्या ये सुनकर जिंदा रह सकोगी तुम कि तुम्हारा भाई अर्जुन एक नीच और गिरे हुए कैरेक्टर का आदमी है? ए पत्थर दिल औरत, क्या लोगों की लगाई हुई ये तोहमत बर्दाश्त कर पाओगी तुम कि तुम्हारे भाई अर्जुन के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे? क्या सुन सकोगी कि तुम अर्जुन की रखेल हो? मुझे साफ साफ बताओ बेटी के सच क्या है, शायद मैं अर्जुन की जिंदगी बचा सकूं। बताओ सच्चाई क्या है? मैं बताऊंगी अंकल, मैं बताऊंगी कि सच्चाई क्या है। प्लीज यहां से चले जाइए, चले जाइए सर। योर ऑनर, ये कुछ कागजात हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहब और पुलिस कमिश्नर साहब को दे रहा हूं, आप जरा गौर फरमाइए। हां तो मुख्यमंत्री जी। जी। ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे चुनाव प्रचार के पैम्फलेट्स हैं और ये मेरा अखबार मेरा भारत महान। क्या आप हमें ये बता सकेंगे कि ये कहां छपते हैं? मेरे अपने प्रिंटिंग प्रेस नागपुर में। गुड। हां तो पुलिस कमिश्नर साहब, आपके हाथ में क्या है? ये हैदर और अर्जुन राणावत के आईएसआई एजेंट्स होने के पाकिस्तानी दस्तावेज हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानी दस्तावेजों की प्रिंटिंग की स्याही वही है जो मुख्यमंत्री जी के अखबार मेरा भारत महान की है। अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं योर ऑनर, या तो काशी त्रिवेदी जी का अखबार मेरा भारत महान पाकिस्तान में छपता है, और या फिर पाकिस्तानी दस्तावेज इनकी अपनी प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र इंडिया में छपते हैं। योर ऑनर, ये दोनों महापुरुष इस जरा सी बात को भूल गए और इन्होंने अर्जुन और हैदर को देशद्रोही साबित करने के लिए अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस में
ये नकली पाकिस्तानी दस्तावेज छाप डाले। इन्हें गिरफ्तार किया जाए। योर ऑनर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये केस झूठे दस्तावेजों का नहीं बल्कि हत्या का है, और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि आरोपी ने 18 हत्याएं की हैं। क्या आरोपी के वकील के पास है कोई ऐसी वजह जो इन हत्याओं को जायज ठहरा सके? वजह है योर ऑनर। तो बताइए वो वजह, और अर्जुन को निर्दोष साबित कर दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? बताइए ना वजह वकील साहब। वजह मैं जानता हूं योर ऑनर, लेकिन मैं अदालत को बता नहीं सकता। आप जानते हैं कि आपका यह बयान आरोपी को मृत्यु दंड दिला सकता है। हां जनाब, दे दीजिए अर्जुन को मृत्यु दंड। मैं अंतिम बार पूछता हूं कि हत्या की क्या वजह थी? जवाब दीजिए समर सिंह जी। इसे मृत्यु दंड दे दीजिए, मैं वजह नहीं बता सकता। योर ऑनर, योर ऑनर, वजह मैं बताऊंगी। नहीं राखी, तुम वापस लौट जाओ। मैं कहता हूं लौट जाओ राखी। तुम्हें मेरी कसम राखी, लौट जाओ यहां से। राखी तुम्हें मां का वास्ता है, लौट जाओ इस नरक से। नहीं भैया, हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने से आज मुझे कोई कसम, कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। जज्बाती मत बनो राखी, तुम बर्बाद हो जाओगी। हो जाने दो बर्बाद मुझे। आज मैं बता कर रहूंगी कि हकीकत क्या है। योर ऑनर, 1 नवंबर की रात इस सीएम का भाई डेप्यूटी सीएम बद्रीनाथ त्रिवेदी, अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी, इंस्पेक्टर अवस्थी, इस कमिश्नर का बेटा और इनके आदमी मुझे किडनैप करके इसके फार्म हाउस पर ले गए। योर ऑनर, मेरा बलात्कार करने के लिए, गैंग रेप करने के लिए। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अर्जुन रिनावत, मैं जफर सुपारी। अगर हिम्मत है तो सीएम के फार्म हाउस पर आकर रोक ले अपनी बहन की इज्जत का इनकाउंटर। जफर सुपारी, जी
नियत चेयम् दण्ड नयति या पुनः दण्ड नीतिरिति ज्ञाता त्रिलोकान् विवर्तते एवाभिरक्षति दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डम् धर्मं दुर्बुधा रात की हकीकत। क्या अब भी कोई जानना चाहता है कि मेरा भाई खामोश क्यों है और क्यों वो अपने लिए मौत मांग रहा है? रुक जाइए जज साहब। योर ऑनर, मैं एक सिपाही हूं,
नहीं चाहिए मुझे जिंदगी की भीख, मुझे चाहिए विजय या वीरगति। दीजिए मुझे मृत्यु दंड, क्योंकि मैं फिर से लौट कर आऊंगा और अपने देश के गर्व की रक्षा में फिर से शस्त्र उठाऊंगा, क्योंकि अर्जुन रणभूमि में शस्त्र उठाते थे, उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। ये अदालत मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी और कमिश्नर देशपांडे पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का आदेश देती है और साथ ही समाज और संविधान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने वाले अर्जुन राणावत को सम्मान के साथ आरोप मुक्त करती है। गीता में कृष्ण ने कहा है पाप नहीं दुष्ट दलन में, गीता में कृष्ण ने कहा है पाप नहीं दुष्ट दलन में, मृत्यु बस शरीर मारती है आत्मा अजर अमर रहे, न्याय के लिए लड़ो सदा। हमें वतन पे गर्व है, जिए तो जय मरे तो जय, वर्दी ये शान है हमारी, वर्दी ईमान हमारी, वर्दी ईमान हमारी, वर्दी पहचान है हमारी, वर्दी भगवान हमारी, देश को ये जन्म दे दिया। हमें वतन पे गर्व है,